मंगलवार को सपा सांसद प्रवीण निषाद वित्त विहीन प्रबंधक संघ के समर्थन में नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में 26 दिन से धरना दे रहे वित्त विहीन प्रबंधकों से मुलाकात किया। वित्त विहीन प्रबंधकों की समस्याओं को सुना और आश्वासन दिया कि प्रदेश सरकार उनकी मांगे बहुत जल्द मान लेंगी। इस दौरान समाजवादी पार्टी के नेता राहुल गुप्ता, राम नगीना सहानी सहित समस्त प्रबंधक और प्रधानाचार्य उपस्थित रहे। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए सपा सांसद प्रवीण निषाद ने कहा, अखिलेश यादव जिंदाबाद। नए प्रशासन से कोई आया, हम लोग का पधारे हैं, एक बार उनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग अपने विद्यालय में एक शिष्टाचार को दिखाते हुए ज्ञान देकर आज समाज में आगे बढ़ने के लिए एक बढ़ावा दिया है। हम चाहेंगे सर्वप्रथम हमारे तरह से हम लोगों को भी 2 साल का टाइम मिले, इसके लिए आपका सहयोग चाहिए। अब सत्ता पक्ष तो शोषण करने में लगा हुआ, तो यहाँ पे क्यों आएगा? और मैं आया हूँ तो जो इनकी मांगे हैं, उत्तर प्रदेश वित्त विहीन शिक्षा विद्यालय संघ जो है आज 26वां दिन भी धरना कर रहा है और अपनी मांगों को लेकर लगातार, क्योंकि इससे पूर्व जो सरकार थी, जो कानूनी प्रक्रिया थी विद्यालय को प्रमाण पत्र जारी करने का, जो मान्यता प्राप्त देने का इनका, तो वो सुचारू रूप से सही तरीके से चल रहा था, मगर आज की जो वर्तमान सरकार है हर जगह शोषण करने का काम कर रही है। आज के दिन भी जो हमारे विद्यालय जो संचालन कर रहे हैं सुचारू रूप से, जो शिक्षा का मंदिर है, अब उसमें भी ये लोग डाका डालना चाहते हैं, जैसे लगता है कि हम लोग भी अपराधी हैं, शिक्षक संघ भी अपराधी है, प्राथमिक विद्यालय भी अपराधी है। हाँ, पुलिसिया उत्पीड़न किया जा रहा है, बेसिक शिक्षा के द्वारा, बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा उनको मान्यता नहीं दिया जाना, और जो मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं उनको भी निरस्त करके फिर से मान्यता दिलाने का ये जो ढोंग रचाया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, ये बंद होना चाहिए। और मैं मांग करना चाहता हूँ प्रशासन से कि इनके ऊपर जो उत्पीड़न हो रहा है ये बंद होना चाहिए। और निश्चित तौर पर मैं अभी आज ही शाम को मैं प्रशासन को भी लेटर लिखूंगा और लोकसभा अध्यक्ष को भी लेटर लिखूंगा कि जो कानूनी प्रक्रिया उसको सुचारू रूप से चले और बिना पैसे लिए इनकी मान्यता दी जाए, ताकि कम समय में और कम खर्चे में जो शिक्षा दी जा रही है इन लोगों के द्वारा वो दी जाए, क्योंकि यही देश का भविष्य निर्माता है। जो बच्चे जाते हैं इनके विद्यालय में और बच्चे शिक्षा ग्रहण करके जब समाज में जाते हैं, जैसा अच्छा समाज बनेगा उसी तरह देश और राष्ट्र का निर्माण होगा। आपके प्रयास के बाद भी अगर सरकार नहीं मानती है तो फिर क्या कदम होगा आपका? तो जैसा अगर प्रयास कर रहे हैं, अगर नहीं मानती है 2-3 दिन के अंदर, तो मैं भी इन्हीं तरह धरना दूंगा और मानेंगे क्यों नहीं, अगर मैं लेटर लिखूंगा काम करूंगा। अभी हमारे पास तकरीबन 20-25 दिन के समय है, क्योंकि जुलाई से सेशन चालू होंगे और जुलाई में ही हमारा सदन भी चालू हो जाएगा। सदन जैसे चालू होगा मैं इनकी मांगों को सदन में उठाऊंगा और एक दिन के अंदर इनका निपटारा हो जाएगा।